Government of India, Mr. Raghav Chandra, Chairman of the National NHAI, Mr. Rajan, Chief Secretary, Government of Rajasthan, and Mr. D.B. Gupta, Principal Secretary, PWD, Government of Rajasthan. Two ministers, more from the Government of Rajasthan, Mr. Vasudev Devnani, and Mr. Gajendra Singh Ji, Khemsar, and their respective secretaries, Mrs. Veenu Gupta, and Mr. Naresh Gangwar. Mere sab colleagues jo yahan baithe hue hain, ministerial colleagues, and pure Rajasthan se aaye hue hamare sab karyakarta bandhu. Aaj mere liye bahut hi khushi ka din hai, bahut hi acha din hai, mahatvapurna din hai, kyunki aaj Gadkari ji hum sab ke beech mein aaye. और ऑर्डिनरी दिवस नहीं था, बस में बैठ के पूरे दिल्ली जयपुर हाईवे का निरीक्षण, प्रेस से वार्ता के अंदर ये प्रॉमिस कि दिसंबर के महीने में हम इसको पूरा करेंगे और हम और आपको दोनों जयपुर वहाँ सबके बीच में जाना होगा. वहाँ से झालावाड़ के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर पूरे के पूरे मैंने जो हम लोगों ने इनके साथ बात की थी वो सब चीजों का वहां की घोषणा, और घोषणा ही नहीं, उन्होंने अपने भाषण में ये भी कह दिया कि इनको टाइम पे और अच्छी तरह से क्वालिटी रोड्स हम पूरा करने की कोशिश करेंगे. और वहां से फिर कोटा के अंदर भी वहां की, और वहां कोटा के अंदर मेरे को उन्होंने ये कहा कि आप लोग वाकई में काम करना जानते नहीं हो, आप मेरे से और मांगते थोड़ा सा, मैं उसको और देने की मैंने पूरा करने की कोशिश करता हूँ. अब मुझे मालूम है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर लोग क्या सोचते होंगे, क्योंकि आदत किसी की नहीं होती होगी इतना फास्ट चलने की, परंतु ये एक ऐसे मंत्री हैं और जिनको आपने बहुत करीब से देखा है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं. और इसीलिए जब इन्होंने मेरे को कहा कुछ करो वहां, तो मैंने तीन चार, और अभी आप देखो कितने बड़े बड़े रोड्स हैं, चारसू भागी, दूदू, सांबर, नावा, नारायणपुरा, भद्राना, खानपुर, लखनऊ, नागौर, मगरू, छोटा नहीं है. और इसकी है 433 किलोमीटर. तो दूसरा मंदसौर, प्रतापगढ़, धरियाबाद, सलंबर, डूंगरपुर, बिछीवाड़ा. और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ ये अभी उज्जैन में अपना कुंभ वगैरह हो रहा है, लोग वहां जाना पसंद करते हैं, इन्हीं रोड से निकल के जाएंगे तो राजस्थान की क्या स्थिति होगी. तो उज्जैन, झालावाड़, पाटन, बारा, मांगरो, लिटावा, गैता, मखीता, इंदरगढ़, उनियारा, फिर नागौर, जायल, डीडवाना, सालासर, लक्ष्मणगढ़, मधुरगढ़, झुंझुनू, मैंने आज के एक दिन के अंदर करीबन 1100 किलोमीटर के रोड्स तो ये उन्होंने आपको घोषणा कर दी है. कोटा वालों ने मेरे को कहा कि आप ये हमारा बाईपास का एक ही टुकड़ा बाकी बचता है, अगर इसको आप कर दोगे तो कितना अच्छा रहेगा. उन्होंने सोचा कि हम इनको फिर देंगे, फिर ये वहां ले जाएंगे, फिर हमें खबर करेंगे, हमें बुलाएंगे. तो हमने तीन उनको लिख के दी, नॉर्दर्न बाईपास कोटा नंबर 2, कोटा सुल्तानपुर श्योपुर टू ग्वालियर, छोटा नहीं है, कोटा सांगोर चबड़ा कवाई धनोदा की पुना. हमने उनको दिए कागज सोच करके, इसके बारे में फिर वो कहेंगे कि आप पता करेंगे कि किसी को भेजेंगे. उनने तुरंत ही उसको तुरंत ही घोषणा कर दी, और मैंने उन्हें कहा कि नहीं और कोई बाकी तो मैं उसको और भी कर देता. मुझे विश्वास है कि ये सब जो उन्होंने हमारे सामने घोषणा भी की है और जिनको उन्होंने पहले भी किए थे कहा था हम लोगों को, वो सब काम होने वाले हैं. मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि इन्होंने हमारे राजस्थान के अंदर वो स्पीड लाई है. और जैसे वो खुद कह रहे थे, जैसे यूनुस ने कहा कि महाराष्ट्र में तो मेन स्टेट है, इसलिए महाराष्ट्र के लिए तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है, परंतु उसके बाद राजस्थान से उनका बहुत बड़ा प्रेम है. मैंने कहा कि ऐसा सभी कह रहे होंगे जिसके साथ वो जाते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड तो इतनी है, जहां भी वो जाएंगे ऐसी स्पीड से काम करेंगे तो वो तो स्टेट वैसे ही मुरीद हो जाएगा जैसे आज राजस्थान का. मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ नितिन जी आपको कि आपने राजस्थान का सोचते हुए और मुझे ये भी कहा है कि और अगर आपके सामने बातें आती हैं और अगर आपको और कोई रोड का काम करवाना है, अगर
आपको टूरिज्म के सेक्टर में लेना है, अगर आपको और कोई स्टेट्स के साथ रोड्स को जोड़ना है, अगर आपको कोई ट्राइबल एरियाज के अंदर रोड्स का वो देखना है, अगर कहीं ऐसे हमारे साथ जुड़ता हुआ रोड है आपका, तो उसके बारे में हमें जरूर कहिए और मैं जहां तक हो सकता हूं आपकी मदद करने में पूरी तरह से आगे आऊंगा। आज 25,500 करोड़ के एमओयू यहां साइन किए हैं रिसर्चर राजस्थान के आगे, परंतु उसमें जो आज उन्होंने एमओयू में जो थे और जो एमओयू में नहीं थे करीबन 15,000 करोड़ रुपए के और उसमें जोड़े हैं, तो मैं समझती हूँ कि करीबन 40,500 करोड़ रुपए का काम आज इन एमओयू के द्वारा होने जा रहा है। मैं आप सब की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे जितनी फास्ट उन्होंने काम किया है उसका फायदा अपने को राजस्थान के अंदर मिलेगा। मैं आप लोग सबको ये कह दूं, क्योंकि एक आदत है सरकार में आते ही सबको लगता है कि मालूम नहीं हम लोग तुरंत ही काया पलट कर रहे हैं। मैं सब लोगों को ये याद दिलाया कि करीबन 15-16 महीने तो अपन लोगों ने सिर्फ चुनाव के अंदर ही निकाले, एक के बाद एक चुनाव और उसकी आचार संहिता उसके सामने ये करते करते अगस्त महीने तक तो अपन ने निकाला। अगस्त महीने खत्म होते ही जो भी काम हम लोगों ने किए थे, जो पॉलिसी के काम थे, उनको सबको पूरा करने के बाद अब रोल आउट करना शुरू किया है। मैं आप लोग सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बोझ को जितना बोझ पिछली सरकार छोड़ के गई थी, 2,00,000 करोड़ से ऊपर तो कर्जा और खाली बिजली विभाग के ऊपर 80,000 करोड़ का कर्जा, उन सब चीजों को मिटाना आसान नहीं था, परंतु हम लोगों ने मेहनत की, सब मंत्री लगे, सब अफसर लगे, और मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि अब रास्ता थोड़ा साफ हुआ है और हम लोग अब चल पड़े हैं। उसमें हाथ दिलाने के लिए आप हमारे पास आए, हमारे साथ आप यहाँ आए और आपने हमारी ये मदद की, उसको कभी भी हम लोग नहीं भूल सकेंगे और इसके लिए दिल से नितिन जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज दिन भर मैं इनके साथ हूँ, इसलिए मैंने इनकी बातें भी सुनी है और वो भी आपके सामने आएंगे तो आपके सामने बहुत सारी बातें बताएंगे, मैं उसके बारे में भी बोलना भी नहीं चाहती हूँ, पर इतने अच्छे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मैंने एक ही लीक को छोड़ के, लीक से हटके अलग अलग किस्म की सोच, और उस सोच के बारे में हम लोगों को ध्यान दिलाना, मैं समझती हूँ कि इनकी कुछ सोच और आइडियाज अगर हम लोग ले लेते हैं तो उसका फायदा राजस्थान को मिलेगा। इसके साथ साथ आज एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक और चीज है जिसके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहती हूँ, और वो ये है कि शिक्षा की दृष्टि से 186 ब्लॉक्स जो पिछड़े हुए थे, केंद्रीय विद्यालयों के पैटर्न के अनुरूप जो मॉडल स्कूल स्थापित करने थे जो हमारा लक्ष्य था, उसके प्रथम चरण में 71 मॉडल स्कूल और 63 मॉडल स्कूल्स के भारत सरकार ने जो प्रति स्कूल करीब करीबन 3 करोड़ रुपए दिए थे उस, और उसके साथ साथ 4,38,00,000 रुपए की अतिरिक्त राशि हम उनको उपलब्ध करवाई थी। तो मैं ये बताना आपको चाहती हूँ कि 186 में से 71 ऑलरेडी फंक्शनल स्कूल्स हैं, जो 63 बचते हैं उसमें से 52 भी हम लोगों ने चालू करने का काम चालू कर दिया है, और जो बाकी उसमें से बच रहे हैं वो भी बहुत जल्दी हम जमीन के ऊपर लाना चाहते हैं। 55% सीटें बालिकाओं के लिए इनमें आरक्षित होंगे, और स्वामी विवेकानंद राज्य के मॉडल स्कूल्स के अतिरिक्त राज्य की 9,895 ग्राम पंचायत में एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को इजी एक्सेस क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, और ये भी हमारी कोशिश है कि 2 किलोमीटर से बाहर जो है, उस 2 किलोमीटर से बाहर के लिए या तो ट्रांसपोर्ट कूपन या बसों का इंतजाम हम कर देंगे, कि बच्चों को आना पड़ेगा, पूरे दिन वहां रहना पड़ेगा, पढ़ के वापस अपने घर जाना पड़ेगा, और कोशिश हमारी ये भी है कि पढ़ेंगे तो वापस घर अपनी किताबें ले जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब स्कूल के अंदर ही काम करेंगे और दूसरे दिन फिर 7 बजे स्कूल में अपने आने का काम करेंगे। इसलिए किताबें वगैरह ले जाना और बोझ लेके घर पे जाना जैसे स्कूल में हुआ करता है, उससे हम इनको अलग रखना चाहते हैं। राज्य में 5,000 विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और साथ ही 114 प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है, जिसमें लगभग 5.5 लाख
बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। आपको सबको याद है कि छोड़कर के स्कूल को सब बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाने की बात आप लोगों तक आ रही थी। मैं बहुत खुश हूँ आज ये कहते हुए आप लोगों को कि करीबन 5.5 लाख बच्चों की वृद्धि हुई है स्कूल के ज्वाइनिंग में। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लॉक्स में से 9 से 12 अध्ययनरत बालिकाओं के लिए एक एक बालिका छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। 136 बालिका छात्रावास का निर्माण पूरा हो गया है और उसका संचालन भी आरंभ हो गया है और 50 बालिका छात्रावास अभी निर्माणाधीन है, बहुत जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सेकंड आपके सामने नितिन जी ने उसका उसकी शुरुआत की थी। मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये भी हम उनके सामने आप लोगों के बीच में ला पाए हैं। एंड मैं मंत्री डिपार्टमेंट्स जिनके आज इस स्टेज के ऊपर काम आए हैं उनको मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबने बड़ी मेहनत की है नितिन जी और सब लोगों ने मेहनत करके इसको यहाँ तक लाया है। सबने 1.5 साल से मेहनत करते करते रिसर्जेंट राजस्थान के लिए जो 19 नवंबर को होने जा रहा है उसके लिए मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं पूरे डिपार्टमेंट को स्पेशली द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हेडेड बाय मिस्टर गजेंद्र सिंह खीम सर एंड बाय मिसेस वीनू गुप्ता एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज दोनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ में आई वॉन्ट टू थैंक द चीफ सेक्रेटरी। इन सब लोगों ने मेहनत करके आज ये विभागों को एक साथ बिठा के यहाँ तक लाने का काम किया है उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को सबको कहना चाहती हूँ कि ये जो रिसर्जेंट राजस्थान हो रहा है उसमें सबके लिए कुछ है। और एक चीज ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट आता है, निवेश आता है तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हो जाती है। निवेश तो तभी आएगा जब रोड्स बनती है, निवेश तो तभी आएगा जब बिजली का काम अच्छा हो रहा है, निवेश तभी आएगा जब पानी का मिलेगा, तभी आएगा जब एजुकेशन हो रहा है। क्योंकि हर आदमी जो फैक्ट्री लगाता है वो ये देखता है कि मेरे को बैंगलोर जाने की जरूरत ना हो, मेरे को यहीं के यहीं बच्चे मिल जाए जो मेरे यहाँ काम कर सके। हमारी कोशिश है कि शिक्षा का एक लक्ष्य भी हम इम्प्रूव करें, कॉलेज एजुकेशन को भी हम ठीक करें, नए सब्जेक्ट्स को भी हम जोड़ें ताकि हमारे बच्चे भी उस स्टैंडर्ड के हो जाए कि कोई भी फैक्ट्री लगाने वाले को बाहर जाने की जरूरत नहीं हो। ये पिछले 5 वर्ष में भी हमने कोशिश की थी और आज जब से सरकार बनी है तब से इसको लाने की हम लोगों ने कोशिश की है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑलराउंड राजस्थान का विकास हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी धैर्य रखना पड़ता है। स्थिति राजस्थान की बहुत ही इतनी अच्छी नहीं थी वो आप लोग सबको मालूम है। अब काम चल पड़ा है, 3 साल में हमारी कोशिश है कि हम उस तक ले जाने की पूरा करें। जितना कर सकते हैं उतना करेंगे और मैं समझती हूँ कि आपको अपनी आंखों से इसको देखने को मिल जाएगा। मैं एक दफा फिर आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग सबके सामने इतना अच्छा और इतना बड़ा काम हो गया। 40,000 करोड़ रुपए कोई कम नहीं है। और मैं फिर से नितिन जी को और नितिन जी की टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन लोगों ने सबने हमारे मंत्री और उनकी टीम के साथ काम करके इतना अच्छा रिजल्ट हमको दिया है। और हम जानते हैं कि नितिन जी हमेशा हमारे साथ हैं जैसे दूसरे प्रदेश जानते हैं, पर हम तो ये समझते हैं और हम भी जानते हैं कि हमारे पीछे खड़े हैं तो एक किस्म से ढाल और एक किस्म से विश्वास और एक किस्म से उनका उनके ऊपर हमारा सबका एक आदर विश्वास है। मैं जानती हूँ कि वो साथ में है तो हम भी राजस्थान के अंदर बहुत सारे काम कर पाएंगे। और यही सोच के आप सबकी ओर से, हम सबकी ओर से उनको मैं दिल से जी से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप आज हमारे बीच में